हेलो। तो दोस्तों आपका स्वागत है आपके नए चैनल लर्न टू टर्न में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको मिरर के बारे में बताऊंगा, मिरर कैसे सेट करते हैं और मेरे मिरर्स के यूजेस के बारे में बताऊंगा, और कौन सा मिरर कैसे रहता है उसके बारे में बताऊंगा, और कौन सा टर्न लेते हो, कौन सी मिरर में देखना चाहिए। हाईवे पर अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो हमें कौन से मिरर में देखना चाहिए, राइट टर्न ले रहे हो, लेफ्ट टर्न ले रहे हो, तब हमें कौन सा मिरर को में देखना चाहिए, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों वो बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इससे भी पहले मैंने बहुत से लेसन अपलोड किए हुए हैं, जिससे आपको गाड़ी चलाने में, गाड़ी के बारे में जानकारी मिलने में आसानी होगी। तो दोस्तों प्लीज़ वो जाकर देखिए, अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलो दोस्तों देखते हैं कि कौन सा मिरर किस लिए यूज़ होता है और कौन सा मिरर कैसा होता है। दोस्तों ये हमारा सबसे मेन वाला मिरर है, इसे कहते हैं सेंट्रल मिरर। इसमें जो शीशा यूज़ होता है, माने कि कांच यूज़ होती है, वो बिल्कुल प्लेन रहती है। इससे इस मिरर से हमें जो दिखाई देता है वो उतनी ही दूरी पर होता है, उतने ही दूरी पर हमें दिखाई देता है। और इसे कुछ इस तरह से सेट करें जैसे मैंने किया हुआ है, हमें पीछे की पूरी कांच दिखनी चाहिए और उसमें से पीछे के सब गाड़ियाँ वगैरह दिखनी चाहिए, उससे कि हमें परेशानी ना हो गाड़ी टर्न लेने में वगैरह। और दोस्तों ये है राइट मिरर। ये मिरर प्लेन नहीं होता है दोस्तों, ये थोड़ा कन्वर्स होता है, माने कि वाइडर मिरर होता है। इसमें जो चीज़ें दिखती है वो जितना दिखती है उससे ज़्यादा नज़दीक होती है, हमें दूर दिखाई देती है लेकिन वो जितनी दिखती है उससे ज़्यादा नज़दीक होती है। इससे भी कुछ इस तरह सेट करें दोस्तों कि हमें हमारी गाड़ी का सिर्फ पिछला हिस्सा दिखना चाहिए, थोड़ा सा हिस्सा दिखना चाहिए और बाकी रोड का हिस्सा दिखना चाहिए, माने कि जब हमें टर्न लेना हो, राइट टर्न लेना हो, तो हमें दिख जाए कि हमारे राइट में कोई तो गाड़ी है और हम राइट टर्न ना ले, और या फिर हम उसे सिग्नल देके हम अपनी राइट टर्न ले लें। दोस्तों और लेफ्ट का मिरर भी कुछ ऐसे ही सेट करना है, वो मिरर भी वाइडर मिरर ही होता है, उसे भी कन्वेक्स मिरर ही कहते हैं। उससे भी कुछ ऐसे ही तरीके से सेट करें जैसे मैंने किया हुआ है। उस अपनी गाड़ी का पिछला हिस्सा देखने तक ही हमें सेट करना है। देखिए दोस्तों कुछ ऐसा सेट करें कि हमें अपना गाड़ी का हमें अपनी गाड़ी से दूसरा रोड भी दिखाई दे। दोस्तों ये मिरर सेट करते वक्त कुछ ऐसे ही सेट कीजिए, क्योंकि जब हम किसी रात में गाड़ी चला रहे होते हैं या फिर सुबह में हाईवे पे होते हैं, तब ज़्यादा करके ड्राइवर्स हॉर्न नहीं बजाते हैं, वो हमें अपर देते हैं, माने कि अपर वाली लाइट जलाते हैं। उससे कि क्या होता है, इन सारे शीशों में से हमारे हमारे आंखों में वो गाड़ी का उजाला चला जाता है और हमें पता चलता है कि हमारे पीछे गाड़ियाँ हैं। इसलिए दोस्तों सब मिरर ऐसे ही सेट करें। ये तो हो गया दोस्तों मिरर सेटिंग का, लेकिन कौन सा मिरर का यूज़ कब करना चाहिए ये मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों अगर हम मिडल लेन पर चल रहे हो और हमें राइट टर्न लेना है, तो हमें क्या करना है, हमें ये मिरर में देखना है कि कोई गाड़ी तो आ नहीं रही है, कोई गाड़ी तो आ नहीं रही है। अगर गाड़ी आ रही होगी तब हमें रुकना है टर्न लेने के लिए, और जब गाड़ी नहीं रहेगी तब हमें टर्न ले लेना है। वो लेफ्ट साइड के मिरर का भी यूज़ वैसे ही करना है। अगर हम दोस्तों लाइन चेंज कर रहे हैं, लेन अपनी चेंज कर रहे हैं, हमें मिडल लेन से हाईवे मतलब ओवरटेकिंग के लेन पर जाना है, तभी भी हमें राइट मिरर का यूज़ करना है। हमें दोस्तों थोड़े थोड़े समय के बाद सब मिरर में देखना है, हमें लेन चेंज करते वक्त या फिर टर्न लेते वक्त, राइट टर्न लेते वक्त, लेफ्ट टर्न लेते वक्त हमें उस मिरर में देखना है। अगर दोस्तों हम हाईवे पे ड्राइविंग कर रहे हैं, तो हमें मिडल मिरर में देखना है, ज़्यादा करके हमें मिडल मिरर में देखना है कि पीछे कौन सी गाड़ी तो नहीं है। अगर गाड़ी नहीं होगी तब हम आसानी से लेन चेंज कर सकते हैं और हमारी गाड़ी एडजस्ट कर सकते हैं। और दोस्तों आपको पता ही होगा कि रिवर्स रिवर्स में गाड़ी लेते वक्त भी हमें इन मिरर का इस्तेमाल करना है। अगर हम राइट में गाड़ी ले रहे हैं तब हमें ज़्यादा करके राइट मिरर में देखना है और सेंट्रल मिरर में देखना है। अगर हम लेफ्ट में गाड़ी ले रहे हैं तब हमें लेफ्ट मिरर में देखना है, ऐसे लेफ्ट टर्न होके देखना है और मिडल मिरर में देखना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको दूसरी कौन सी भी परेशानी होगी, कौन सा भी क्वेश्चन होगा, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ड्राइविंग करते वक्त हमेशा ट्रैफिक रूल्स ना तोड़िए, क्योंकि वो हमारी ही सेफ्टी के लिए होते हैं, और हमेशा गाड़ी चलाते वक्त अलर्ट रहिए और अपने मोबाइल से दूर रहिए।